हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पॉपकॉर्न टीवी। मैं हूं अंकिता और मेरे साथ है अरिजीत। हेलो। और आज जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं वो मौलाना तारिक जमील जी की वीडियो है और वीडियो का नाम है मन का खिदमत का सिला। और काफ़ी रिक्वेस्ट आया था मौलाना साहब की वीडियोस को भी रिएक्शन करने के लिए, तो पिछले हफ्ते भी हमने किया था जो शकीब राजा साहब थे उनका वीडियो के ऊपर रिएक्शन किया था। तो चलिए वीडियो पहले देख लेते, उसके बाद बात करते हैं। खास तौर पर माँ बाप सामने हों तो देखो हाथ जोड़ता हूँ, माँ बाप के लिए तकलीफ न बनना। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूलल्लाह क्यामत कब आएगी? आपने फरमाया तो अल्लाह को पता। तो उसने पूछा कोई निशानी बता दें, निशानी। तो ये बच्चियाँ गौर से सुने। उसने कहा या रसूलल्लाह क्यामत कब आएगी? आपने फरमाया अल्लाह को पता है। कहा कोई निशानी बता दें तो सुनो। आपने फरमाया जब बेटियां भी माओं को जलील करेंगी क्यामत आ जाएगी। यानी बेटे तो जब कर जाते हैं बदतमीजी और बेटियां आम तौर पे फर्मबरदार होती हैं, आपने फरमाया जब बेटियां भी माँ को जलील करेंगी तो क्यामत आ जाएगी। तो बच्चों, तुम्हारे उस्ताद भी तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे माँ बाप हैं। मेरा अल्लाह कहता वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, उनके सामने बिछ जा। ला तक़ुल लहुमा उफ़, उफ़ का उर्दू में है हम कहते ये हूँ की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। वैसे उफ़ हकार, उफ़ पता क्या होता है? ये अब नाखून तो आपको नज़र नहीं आएगा, अपना नाखून देख लेना। नाखून के नीचे जो हल्की सी मैल जमा होती है ना, उसको अरबी में उफ़ कहते हैं। कि इतना खफीफ सा वज़न भी माँ बाप पे मत डालो, उनकी दुआ ले लो, दुआ। वो ज़्यादती करें सह जाओ, ज़्यादती करें पी जाओ। अल्लाह की गैबी मदद से जो तुम्हारे काम होंगे वो तुम्हारी डिग्रियों से नहीं होंगे। डिग्री तो कागज़ का पुर्जा है, इस पे ना तुम्हारी तकदीर लिखी है ना तुम्हारा नसीब लिखा है। तुम्हारा नसीब यहाँ लिखा हुआ है, तुम्हारी तकदीर यहाँ लिखी हुई है, और ये सरसब्ज और हरी होगी तुम्हारे अखलाक के साथ, तुम्हारे ईमान के साथ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है? तो अल्लाह ताला ने कहा वो जो कसाई है फलाम, वो तेरा जन्नत का साथी। मूसा अलैहिस्सलाम उसको देखने पहुँच गए, देखा तो कसाई बैठा चौकड़ी मार के गोश्त काट काट के बेच रहा है। वो बड़े हैरान हुए, ऐ मेरा जन्नत दा साथी किवें बन गया? जब वो अपने सौदा बेच चुका तो एक गोश्त का टुकड़ा उठा के उसने डाला थैले में और चल पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम भी साथ हो गए। मूसा, चार बड़े नबी हैं, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, और इन सब से बड़े हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो घर पहुँचा तो मूसा अलैहिस्सलाम भी इजाज़त दे के अंदर आ गए। उसने जाके वो गोश्त के टुकड़े बनाए और सालन पकाना शुरू किया, आटा गूंद के रख दिया। सालन तैयार हुआ, आटा नरम हुआ, रोटी बनाई, थाली में रखा रोटी सालन, और एक बुढ़िया अपनी चारपाई पर ऐसे लेटी पड़ी थी, यूँ कर टांगें सिकुड़ी हुई और हाथ यूँ ऐसे, तो उसने उसको हिलाया, माँ जी रोटी रोटी खा लो। तो उसको यूँ हाथ का सहारा दिया और लुक में बना के खिलाता रहा, खिलाता रहा, यहाँ तक कि उसने कहा यानी बस। तो फिर उसने उसका मुंह साफ किया, जब लिटाने लगा तो वो कुछ बोली। मूसा अलैहिस्सलाम दूर थे तो सुन नहीं सके, उसकी बड़बड़ाहट थी। तो जब वो फारिग हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे भाई ये कौन है? कहा जी मेरी माँ है, मैं कसाई हूँ, मैं सुबह इसकी सारी खिदमत करके जाता हूँ, फिर शाम को जब आता हूँ तो पहले सारा इसका काम करता हूँ, फिर बच्चों को देखता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कुछ कह रही थी जब तुम इसे लिटा रहे थे? तो कहने लगा जी बस माँ जो हुई, कहने को उसने क्या कहना है, जब भी इसकी खिदमत करता हूँ तो मुझे कहती है अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथी बना। मैं ती कसाई कमी और मूसा कलीम, मेरी कड़ी औकात है? मूसा अलैहिस्सलाम की आँखों में आंसू आ गए, तेरी माँ ने तेरा काम बना दिया। तो बच्चों, अपने माँ बाप की हाय ना लो, दुआ लो। और माँ बाप से कहता हूँ औलाद को इज्जत दो, बेइज्जत ना करो।
जो कभी माँ बाप बैठे कोई नहीं, बहुत थोड़ा तुम सारे बच्चे बच्चे बैठे हो, लेकिन ये आवाज़ जाएगी कैमरे के ज़रिए। माँ वालदैन से कहता हूँ अपने बच्चों को इज्जत, इज्जत नफ्स को, तुम कल को बाप बनने वाले हो, तुम्हारी कल शादियाँ होने वाली हैं, ये माँ बनने वाली हैं, तुम बाप बनने वाले हो। अल्लाह के वास्ते ये जो हमारा तालीमी निज़ाम है इसने हमारे बच्चों को पागल कर दिया है। 3 साल के बच्चे के ऊपर बस्ता लादना, ये उसको तबाह कर देना है, उसके सारे न्यूरॉन ही जल जाते हैं। और 3 साल के बच्चे को माँ की गोद चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए। मेरे नबी ने कहा 7 साल तक नमाज भी ना कहो तो क्या करो, वक्त दो, मोहब्बत दो, इज्जत दो, एहतराम दो। 7 साल में हर शय भर जाएगी, फिर वापस तुम्हें करेगा, सारी ज़िंदगी तुम्हें वापस करेगा। हमारे आजकल के जो नौजवान वालदैन हैं, एक तो उन पर स्कूल का फोबिया सवार है, दूसरा जो मोबाइल का अजाब सवार है। बच्चा बात करता है, माँ मोबाइल में लगी हुई, कोई ड्रामा देखी जानी, हाँ बको क्या कहते हो, सुन रही हूँ, वो वहीं फौत हो जाता है। बीवी बात करने लगती है और मियाँ साहब फ़ोन में लग जाते, मियाँ साहब बात करने लगते हैं, बेगम फ़ोन में लग जाते। ये तो हमारी ज़िंदगी, इतनी लाइफ क्वालिटी गंदी हो चुकी है कि इन्हें खाने पर भी सुकून नसीब नहीं, खाने पर भी कारोबार कर रहे हो, तो भला रोटी खा रहे हो जहर खा रहे हो, चलो एविदू गुंजा, टॉयलेट में टेलीफोन सुन रहे हो, 2 आवाज़ें आ रही होती हैं वहाँ। कुछ अपने नबी की ज़िंदगी को सीखो, एतदा। मेरे नबी से अब्दुल खालिक की तो एक छोटी सी यूनिवर्सिटी है, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। मेरे नबी के सर पे 7 बर्रे आज़म के इंसान और जिन्नात और क्यामत तक आने वाली नस्लें थीं, और मेरा नबी बच्चों के लिए रोज़ाना वक्त निकालते थे। और वक्त कैसे निकालते थे, उनके लिए घोड़ा बन जाता, हाथ पांव ज़मीन पर टेक के, कमर को लेवल करके, आओ मेरी कमर पर बैठो, दोनों बच्चों को कमर पर बिठा के हसन हुसैन कमर में चक्कर लगा कर, फिर कहते तुम्हारा ऊँट कैसा है जिसको इतनी जिम्मेदारियाँ मिली हूँ। वो वक्त निकाले, ये सबक था नस्ल के लिए, उम्मत के लिए। फिर दोनों भाइयों को उतार के अकेली जैनब को बिठा के चक्कर लगाते, झूले झूलाते, कुश्ती कराते, खुद कुश्ती करते, उनके साथ खेलते बच्चों। अब हैरान होंगे, हुसैन 6 साल के, हसन 7 साल के, और 7 साल में कोई एक नसीहत बच्चों को नहीं की, वह दिल दिया उनको, मोहब्बत दी, हर शय। आजकल के माँ बापों को आम एक मिसाल से बात अर्ज़ करता हूँ जो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ये जो टेलीफोन होते हैं, मुझे तो ज़रा वो बंद करना और वो आता है, सुनना आता है, लेकिन इसमें एक ब्लूटूथ होता है जो सुनता रहता हूँ। अगर वो ऑफ हो तो कोई डेटा शिफ्ट होगा, है लगे रहो सारी रात लगे रहो, इसे ऑन करोगे तो डेटा शिफ्ट होगा। आजकल के वालदैन ने अपने बच्चों को ब्लूटूथ ऑफ किया होगा और डेटा शिफ्ट करना चाहते हैं, वो कैसे शिफ्ट होगा, वो कभी ऊपर से गुजर जाएगा, कभी इधर से गुजर जाएगा, कभी इधर से गुजर जाएगा। शिद्दत, सख्ती, डांट डपट, तंज ताने। मैंने छोटी उम्र में सिगरेट पीने शुरू कर दिए, वो 5-6 साल की उम्र और इतनी आदत पड़ गई कि एक दफ़ा मैं छुप के पी रहा था, मेरे छोटे भाई ने देख लिया, उसकी उम्र 4 साल। मैं कहा तैयार मियाँ इधर है ना, वो आया, मैंने एक उसको पिला दिया, कहीं मेरी शिकायत ना कर, एक मैंने उसको पिला दिया कि ये मेरी शिकायत ना करे। अब मुझे सिगरेटों से हटाया जा रहा है, कैसे कि मेरी माँ ने मेरे बाजू पकड़े हुए हैं और मेरी खाला के हाथ में चिमटा है और चिमटे में अंगारा दहकता हुआ, और वो मेरे यहाँ पामा तेरे मुँह में पीने का सिगरेट पीने, ओ मैं नहीं पींदा। ये माँ बाप यूं करते हैं, बाहर आ गए ना फिर नहीं आया, नहीं छोड़े, वो तो तबलीग में आए तो अल्लाह ताला ने फजल फरमाया। इतनी छोटी उम्र से मैंने सिगरेट शुरू किए, वो गांव के देहाती माहौल में सारे पीते थे हुक्का और सिगरेट, तो मैंने भी शुरू कर दिया। तो ये मेरे मुंह में अंगारा डाल रही है, अंगारा डालने से आदमी नहीं हटता है, वो और जिद में आता है। मोहब्बत दो, कल को तुम वालदैन बनो, बाप बनो, ये माएँ बने, बच्चों को इज्जत दो, मोहब्बत दो। मेरे नबी जब हजरत फातिमा आती थी मिलने के लिए खड़े हो जाते थे, बिस्तर पर बैठे हैं, ज़मीन पर बैठे हैं, कुर्सी पर खड़े हो जाते, और आगे बढ़ के फातिमा का हाथ पकड़,
फिर यूँ चूमते बोसा लेते, फिर हाथ पकड़े पकड़े आकर चारपाई पर बैठाते, उसके बाद खुद बैठते थे। इतना प्रोटोकॉल औलाद को दोगे तो फिर वो वापस आए। ये सारी आपकी औलाद है, ये तुम्हारे बाप हैं और तुम्हारे असली माँ बाप हैं, उनको इज्जत दो। ये एक चैप्टर मैंने तुम्हें आने वाले फ्यूचर के लिए दिया है कि अल्लाह तुम्हारे घर आबाद करे। तो याद रखना, घरों की आबादी का ताल्लुक शक्ल सूरत से नहीं, डिग्री से नहीं, पैसों से नहीं, सोने चांदी से नहीं, अल्लाह की कसम सिर्फ आपके अखलाक के साथ। अगर आपके अखलाक अच्छे होंगे आपका घर हमेशा आबाद रहेगा। अगर आने वाली लड़की के अखलाक अच्छे होंगे घर हमेशा आबाद रहेगा। अगर ज़बान का बोल जहरीला हो गया जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो को रिक्वेस्ट करने के लिए, और हम लोग बार बार इनका वीडियो देखते हैं क्योंकि हमें खुद पसंद है और व्यूअर्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है उनका वीडियो, क्योंकि उनका जो बातें होता है इतना मीनिंगफुल होता है और बहुत मोटिवेट करता है। जैसे आज का जो टॉपिक था कि माँ बाप को इज्जत दो और माँ बाप भी अपने बच्चों को इज्जत दे, और ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि हम आते ही इस दुनिया में माँ बाप की वजह से, तो उनको ही अगर हम रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दुनिया के किसी भी इंसान को हम रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, और उनके साथ अच्छे रहेंगे तो सबके साथ ही अच्छे रहेंगे। और इस वीडियो में पूरी तरह से जो पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ जो रिलेशन है या फिर पेरेंट्स के साथ बच्चों का जो भी अनबन होता है उसके बारे में बात किया गया है। खास करके क्या है कि जो माँ बाप हमारे लिए करते हैं हम शायद उसको मतलब कभी भी रिप्ले नहीं कर सकते, कोई भी उसको मतलब पे बैक नहीं कर सकता है। दुनिया में अब किसी भी चीज़ से माँ बाप को कंपेयर नहीं कर सकते, आप मतलब कितने भी रिलेशन बनाओ, कितने भी फ्रेंड्स हो जाए आपका, मतलब कुछ भी आप कमा लो, लेकिन माँ बाप का जो प्यार होता है वो सेल्फलेस होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। और दूसरी तरफ आजकल के जेनरेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग ठीक से माँ बाप से सब कुछ शेयर नहीं कर पाते। एक तो फ़ोन का एक मसला हो गया फैमिली के, मतलब फ़ोन की वजह से हम लोग फैमिली को उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, मतलब डिनर कर रहे फिर भी फ़ोन में घुसे हुए हैं, तो ये बात कॉमन है। बहुत नहीं करते कुछ, बहुत हमारा जो दोस्तों के साथ करते हैं, माँ बाप से उतना ज़्यादा शेयर नहीं करते, इतना बिजी हो जाते हैं। जेनरेशन का गैप की वजह से भी होता है, फ़ोन का एक प्रॉब्लम है कि फैमिली को मतलब फ़ोन की वजह से फैमिली एक साथ होते हुए भी ठीक से बात नहीं करते, ठीक से सब कुछ शेयर नहीं होता है, तो चीज़ तो है। दूसरी तरफ मौलाना साहब ने ये भी बताया कि पेरेंट्स भी बच्चों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं पढ़ाई की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं देते। आजकल के जनरेशन में फिर भी तो माँ बाप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गए, फ्रैंक हो गए, बहुत फ्रीडम देते, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी कंजर्वेटिव है जो शायद उतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं देते। खास करके पढ़ाई का जो प्रेशर है, एजुकेशन का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है बच्चों के ऊपर, तो उस पर थोड़ा सा शायद मुझे लगता है ख्याल रखना चाहिए। मतलब बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए कि उन्हें कुछ समझाओ, अच्छे के लिए समझाओ मगर थोड़ा शांत होकर समझाओ, मगर मारपीट के समझाने से वो कुछ नहीं होगा, और भी ज़्यादा वो बिगड़ जाएंगे। और खास करके और एक बात है कि पेरेंट्स का जो ज़रूरत है, मतलब लगता है, मुझे लगता है जो पर्सनली जो 40-50 उम्र के बाद उनको ज़्यादा ज़रूरत है अपने बच्चों का, क्योंकि उससे पहले तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है, जितना भी सेक्रीफाइस हो सकता है दुनिया में वो करता है, लेकिन उसके बाद शायद एक वक्त आता है जब उनको किसी की ज़रूरत होती है, खास करके अपने बच्चों की, तो उस वक्त ख्याल रखना बहुत ज़रूरी, रिस्पेक्ट देना या फिर अपने घर में मतलब जो भी आप कर सकते हो आपसे जो भी बन पड़े वो करना चाहिए, चाहे वो अपने माँ बाप के सेवा करने में अपना जो भी टाइम आपको मिलता है वो आपको देना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए, बच्चों को भी टाइम निकालना चाहिए और माँ बाप को भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत पेरेंट्स हम भी देखते हैं कि मतलब उनका उम्र हो गया तो बच्चे उनको छोड़ के चले गए किसी और के साथ, मतलब ज़िंदगी बिताने के लिए, या फिर कोई भी और भी प्रॉब्लम की वजह से घर छोड़ के चले जाते हैं, तो उस तरीके का जो सिचुएशन है तो वो बहुत ही गलत है, क्योंकि आप अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते किसी भी हालत में, खास करके उस उम्र में जिस उम्र में शायद उसकी ज़रूरत होती है। अलग हो जाते हैं, मतलब शादी के बाद ही अलग हो जाते हैं, जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, तो ये सब नहीं करना चाहिए, मतलब एक साथ ही रहो, आपका जो प्रॉब्लम है वो शेयर करो, वो सॉल्व करने की कोशिश, केयर करना चाहिए, और मतलब एक साथ ना भी रहो लेकिन उनको केयर करना चाहिए। बहुत मैंने देखा है कि पेरेंट्स को छोड़ देते अकेला, एकदम वो अकेला पड़ जाता है, तो कॉन्टैक्ट नहीं रखते जानबूझ के, या फिर भगा देते घर से, ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है, तो वो एकदम ही गलत है, वो उस तरीके का जो माइंड सेट है वो पूरी तरह से गलत है। और माँ बाप भी थोड़ा सा बच्चे के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाते, वो तो हर माँ बाप ही बनाता है, लेकिन उसमें भी अभी मुझे लगता है करंट जनरेशन में फिर भी थोड़ा बहुत फ्रीडम मिला है बच्चों के। मेरे ख्याल से आजकल के जनरेशन में जो प्रॉब्लम है बच्चों के लिए वो पढ़ाई के ज़्यादा होता है, ज़्यादा एजुकेशन का जो कुछ करने का होता है, प्रेशर डाला जाता है कि आप ये पढ़ो वो पढ़ो, चाहे उसका मूड ना हो पढ़ने की या फिर वो पढ़ाई में उतना अच्छा ना हो, और बनना चाहते हैं उनको फोर्सफुली, अगर डॉक्टर है उनका पापा तो डॉक्टर ही बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, तो प्रेशर डाला जाता है।
तो वीडियो ओवरऑल मुझे काफ़ी सही लगा, काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने पहले भी बताया कि मौलाना साहब का जो बातचीत होता है या फिर जिस जो भी वीडियो होता है वो हर रिलीजन का हर कास्ट का कोई भी इंसान देख सकता है, वो किसी भी लाइफ में मैटर करता है। क्योंकि इस वीडियो में आप देख लीजिए जो पॉइंट में उन्होंने बात किया, हर जगह ही होता है, हर जगह पे दुनिया में किसी भी जगह पे लागू होता है। तो ओवरऑल वीडियो तो मुझे काफ़ी पसंद आया, तो थैंक यू सो मच वीडियो को रिक्वेस्ट करने के लिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।